क्या कहा था अभी आपने? आतंकवाद मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। अभी तक खामोश था। क्या कहा? हुसैनियत कैसे साबित करोगे? हुसैनियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैसे साबित करोगे अगर कोई दूसरा पूछ ले? हमारे पुलिस प्रशासन के भी लोग बैठे हुए हैं, क्यों हिंदुस्तान जिंदाबाद? हम कहते हैं इसलिए कि फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था कांटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रौसा बुतूल का? इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं दोस्तों। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान इतना बड़ा, हिंदुस्तान इतना बड़ा, हिंदुस्तान इतना बड़ा, पाकिस्तान हमेशा कैसा है, हम इसको मिटा देंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या बात है जो मिट्टी हलती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। इकबाल की रूह आकर देखे कि हिंदुस्तान न कल मिटा था, न हिंदुस्तान आज मिटा है, न हिंदुस्तान कल मिटेगा। क्यों नहीं मिटता? क्यों नहीं मिटता? क्यों नहीं मिटता? सुने क्यों नहीं मिटता? कि पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है, अपनी तोपों का जो मुंह उसने खुला रखा है। आफतें आ नहीं सकती कभी भारत की तरफ, भारतीयों ने अजा खाना सजा रहा। पाक से कहिए कि इस बात में क्या रखा है, अपनी तोपों को जो मुंह उसने खुला रखा है। आफतें आ नहीं सकती कभी भारत की तरह, भारतीयों ने अजा खाना सजा रखा है। मगर हमारे हिंदू भाई, ये हमारे पुलिस के अधिकारी सामने दिख रहे हैं, अगर वो कहते तो क्या कहते? कहते छिड़ हद से बहुत करीब था कोहे हिमालय। अगर आप कहते तो क्या कहते? तो रोगा साहब सुन लीजिए, आप कहते कि हद से बहुत करीब था कोहे हिमालय। शामी लई अगर न छुपाते ये मार का, छिड़ता अगर जे साहिले गंगा पे मार का, उठता धुआं यजीद के दरबारे आम में, भारत के वीर आग लगा देते शाह। भारत के वीर आग लगा देते शाम में। जिंदाबाद मौलाना अली अब्बास छपरवी साहब तशरीफ ला रहे। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों की रोशनी में, इन्हीं मिसरों की रोशनी में एक बेहतरीन तरन्नुम का शायर आपकी खिदमत पेश करता हूँ। जहाँ तक ये महफिल पहुँच चुकी है उससे भी आगे ले जाने की सलाहियत रखता है वो नौजवान। ये जो दो तीन शेर ज़्यादा पढ़ दिए, अस्करी भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना वक्त हमें दे दिया था, और नहीं तो एक मिसरा पढ़ने का वक्त नहीं था। अस्करी भाई का शुक्रगुजार हूँ। दाद हमको दीजिएगा, दो हमको दीजिएगा अगर ये शेर अच्छा लगा हो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सुल्तानपुर से आया हुआ नौजवान शायर सुहैर सुल्तानपुरी साहब, इंशाल्लाह ताला आपकी समातों में पूरी तरीके से खड़ा उतरे मुर्तजा की चौखट पे।
آج کیا نہیں ملتا ہر یہاں سے ملتے ہیں ہر ملا نہیں ملتا یاری وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یا بگاڑ لیتے ہیں یاری وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں باپ دادا کا کچھ پتا نہیں جن کے باپ جیو جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا جن کے باپ کچھ پتا نہیں ملتا یاری وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یاری وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں ملتا چو کے بھوک سے ہے در میں تم نماز پڑھتے ہو چو کے بھوک سے ہے در میں تم نماز پڑھتے ہو شمشیر
خالق تجھے کیا چاہیے